अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन। आपको बता दें कि शहर के टीआरएस कॉलेज चौराहे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ ने तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया है। इस बात की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी शिव अग्रवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को काफी समझाइश दी गई, मगर छात्र पुतला दहन करने पर अड़े रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि लावण्या के हत्यारे को जल्द फांसी दी जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार के निजी स्कूल में धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। ये मामला उस वक्त तूल पकड़ने लगा जब छात्रा ने अपने मिशनरी स्कूल के कर्मचारियों के उत्पीड़न और यातनाओं के कारण आत्महत्या कर ली थी। कॉलेज चौराहे के समीप एकत्रित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बताया गया कि आत्महत्या करने वाली छात्रा ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तब उस पर दबाव डाला गया, जिससे उत्पीड़न के चलते छात्रा के द्वारा आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु की मिशनरी स्कूल के खिलाफ हुई शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। प्रस्तुत है एबीपी के पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम जानवी तिवारी है, मैं कन्या महाविद्यालय से इकाई अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हूँ। विद्यार्थी परिषद लावण्या बहन है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक उनको न्याय नहीं दिया, एक महीने हो चले हैं और उनको, मैं चाहती हूँ मिशनरी स्कूल जितनी भी है, ये ऐसी कोई भी दुर्घटना है दूसरी लावण्या बहन के साथ नहीं, जैसी एक लावण्या बहन के साथ हुआ कोई दूसरी लावण्या बहन उस तरह ना हो, और इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ सिग्नेचर अभियान भी चलाया जाएगा, कल कैंडल मार्च भी हमने चलाया है, और इसी तरह हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी लावण्या बहन को न्याय नहीं मिलेगा। ये तमिलनाडु सरकार का है, उसने अभी तक एक माह हो चला है, अभी तक लावण्या बहन को न्याय नहीं दिया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को 15 दिन से हिरासत में लिया गया है। पहला विषय वो है, दूसरा विषय तमिलनाडु में धर्मांतरण के लिए हमारी बहन लावण्या को इतना प्रेशराइज किया गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। तो उसके जस्टिस के लिए हम यहाँ पे पूरे देश भर में लगातार पुतला दहन और ऐसे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 3 दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हमने पुतला दहन किया है, कल हम वहाँ यूनिवर्सिटी में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और उसके बाद वहीं पे हम एक और धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ऐसे धर्मांतरण की कहीं भी प्रेशराइज ना किया जाए और मिशनरी स्कूलें बंद कराई जाए। मिशनरी स्कूलों में जो हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, वह हम पूर्णतः उसको दुरस्कृत करते हैं। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा सम्राट है, मैं रीवा नगर का नगर मंत्री हूँ एवं विभाग संयोजक हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी।